महाराष्ट्र में बच चुका है चुनावी शंखनाद। चुनावी मैदान में उतर चुकी सियासी सेनाएं, क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे राजनेताओं के इरादे, कौन होगा महाराष्ट्र का सरकार। चुनाव की हर खबरें देखते रहिए चुनावी महासंग्राम में हर रोज INFS न्यूज पर। जनता के बीच में चुनाव जीत के हम चले गए, चुनाव जीत के हमें जाना नहीं है, चुनाव जीत के हमको यहीं रहना है और अपने प्रत्याशी जो हमारा चुनाव जीत के जाएगा उससे काम लेना है। और असद साहब और अकबर साहब का यही कहना है कि हमारे पार्टी से जो भी चुनाव जीतेगा वो काम करेगा, इंशाल्लाह उनकी पार्टी काम करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरने के लिए AIMIM पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में कुर्ला विधानसभा ऐसी सीट होने के कारण मजबूत कैंडिडेट को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ कुर्ला विधानसभा से AIMIM के तालुका अध्यक्ष ने अपने पार्टी का जीत का दावा करते हुए कहा कि अपना पर्चे देते हुए ये बताइए कि 2024 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें आपकी क्या भागीदारी होगी। मैं दिलशाद हाशमी कुर्ला तालुका उपाध्यक्ष हूँ और MIM इंशाल्लाह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी आज ही या कल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, वो आप लोगों के सामने होगा। और प्रत्याशी और हम सबसे ताकत में सबसे मजबूत हैं, MIM ताकत से लड़ेगी चुनाव कुर्ला का। यहाँ की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि अगर जो भी कैंडिडेट खड़ा रहे उसको सुलझाने की कोशिश करें। यहाँ सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है, अभी आप इधर चले जाए कचरा है पूरा, पानी पुरेश नगर में, आप तो आप चल के आए होंगे देखे होंगे। इधर आप नेहरू नगर में चले जाए, पानी का मसला है, नाली का मसला है, स्कूल का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। इधर जो है पुरेश नगर से और नेहरू नगर को एक जोड़ता था एक रास्ता है, उस रास्ते को बंद कर दिया गया। तो MIM जीत के आती है तो बाय डिफॉल्ट ये सारे कामों पे एजुकेशन पे MIM काम करेगी इंशाल्लाह। क्या लगता है कि जब इलेक्शन आता है तभी सभी पार्टियां काम की दावेदारी करती है, उससे पहले क्यों नहीं कर पाती है? नहीं, हमारे हक के लिए कोई बोलता है तो MIM ही बोलता है, हमारे हक के लिए कोई बोलता है तो MIM ही बोलता है। बुरके पे बोले तो MIM बोलेगा, हिजाब का मामला है तो MIM बोलेगा, 3 तलाक का मुद्दा हो तो MIM बोलेगा, ये कोई भी मसला ले लो आप तो MIM बोलता है। तो हमारे वोट का भी हकदार MIM है, तो मैं दूसरे पार्टी को वोट नहीं करूँ। मेरी पार्टी सबसे मजबूत है कुर्ला में और इंशाल्लाह कुर्ला में पूरी ताकत से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। मतलब दो कैंडिडेट एक सीट के लिए दो लोग दावेदारी दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसको मिलना चाहिए महाविकास आघाड़ी के लिए? उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस अपने पार्टी पे अपने पार्टी को आगे ले जाना है और अपने पार्टी को चुनाव जिताना है और हम इंशाल्लाह हमारी पार्टी कुर्ला से चुनाव जीत रही है। चुनाव जीत रही है। आने वाले समय में आप अपने वोटरों के लिए क्या संदेश देंगे? जितना भी समस्या है हमारा कुर्ला में 3 ऑफिस है, MIM के 3 ऑफिस है, जो 1.5-2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों की समस्या हर चीज़, नाली पे ले पानी के लिए मैंने बाय डिफॉल्ट धरना भी दिया ले जाके, हाँ तो हम लोगों ने काम कर रहे हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह। और जनता में हम लोग जनता के बीच में चुनाव जीत के हम चले गए, चुनाव जीत के हमें जाना नहीं है, चुनाव जीत के हमको यहीं रहना है और अपने प्रत्याशी जो हमारा चुनाव जीत के जाएगा उससे काम लेना है। और असद साहब और अकबर साहब का यही कहना है कि हमारे पार्टी से जो भी चुनाव जीतेगा वो काम करेगा, इंशाल्लाह उनकी पार्टी काम करती है। इसलिए मैं 2014 से इस पार्टी में हूँ, एक सिपाही बनके मजलिस का और मजलिस में काम कर रहा हूँ। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए Net7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।